नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जो इस वक्त दिल्ली के एम्स में एडमिट हैं, तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं राजू श्रीवास्तव को इस हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि 10 अगस्त की सुबह जिम में वर्कआउट के दौरान राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट आया था। जब वह ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया। लेकिन राजू श्रीवास्तव की हालत कैसी है, लगातार हेल्थ अपडेट सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में है राजू श्रीवास्तव, आईसीयू में एडमिट है और इस वक्त पूरा ही परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। पूरे ही देश भर में उनके चाहने वाले उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और लगातार तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ तमाम सेलिब्रिटीज भी उनकी सेहत को लेकर सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो परिवार काफी ज्यादा दुखी भी है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर परिवार काफी ज्यादा चिंतित है, लगातार हेल्थ अपडेट दे रहे हैं परिवार के सदस्य, चाहे वह राजू श्रीवास्तव की पत्नी हो, बेटी हो या फिर उनके भाई हो, सभी लगातार हेल्थ अपडेट दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हुई जिन्हें सुनने के बाद परिवार काफी तेज रोया। जी हाँ, बीते कल राजू श्रीवास्तव के मैनेजर ने अपने आंखों देखा हाल बताया कि कैसे राजू श्रीवास्तव को लेकर जो फेक न्यूज आने लगी, उन फेक न्यूज से परिवार काफी ज्यादा परेशान हो गया। और इसी बीच देखा जाए तो अब राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि कृपया करके फेक खबरें ना फैलाएं। दरअसल आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव के निधन की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर फैल रही है और निधन की खबरों को सुनने के बाद ही उनका पूरा परिवार काफी तेज रोया, काफी ज्यादा दुखी हुआ है। वही राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने कहा कि कृपया करके ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। राजू श्रीवास्तव उनके पति जो एक फाइटर हैं और एक बार फिर से वापस लौटेंगे आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं राजू श्रीवास्तव के भाई का ये वीडियो। हाय, मैं हूँ दीपू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव जी का छोटा भाई। नमस्कार मेरे मित्रों और राजू भाई के चाहने वालों। मन दुखी था, वीडियो बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि पिछले 2-3 दिन से कुछ बेशर्म लोग सोशल मीडिया में उठपटांग पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। और वो लोग बिना किसी परिवार वालों से बातचीत करके, बिना किसी वेरीफाई के उन्होंने अपने अपने पोस्ट किए। शायद उनके टीआरपी का चक्कर होगा, उनके पेज को ज़्यादा लाइक मिलेंगे उसका चक्कर होगा, लेकिन ये सब देखकर मन विचलित हो गया और मैंने ये वीडियो बनाया। यही कहूँगा कि आप सबके चहेते हमारे बड़े भाई गजोधर भैया, राजू जी आईसीयू में तो हैं ही हैं, एम्स हॉस्पिटल में हैं, दिल्ली में, सभी जानते हैं, पूरा देश दुनिया हर जगह दुआ हो रही उनकी और आपकी दुआएं काम कर रही हैं। और देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल एम्स और उसके भी सबसे अच्छे देश के डॉक्टर अपना 100% दे रहे हैं, अच्छी रिकवरी हो रही है और अच्छा इलाज चल रहा है, पूरे डॉक्टर्स की टीम लगी है, आप सबकी दुआएं काम कर रही हैं और रिकवरी भी हो रही है। तो उन झूठी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और मैं यही कहूँगा कि आप लोग दुआएं करते रहें। हमारे राजू भाई फाइटर हैं और बहुत जल्द ये जंग जीत कर आप सबके बीच बहुत जल्द आएंगे, अपनी कॉमेडी की दुकान खोलने, आप सबको हंसाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी दुआएं करते रहें, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और रिकवरी हो रही है और डॉक्टर्स की टीम लगी है और सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका भी यही कहना है कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं और बहुत जल्द राजू जी हम सबके बीच आएंगे और आप लोग दुआएं दीजिए। यही कहने के लिए, यही वीडियो बनाने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। तो आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, उठपटांग की खबरों पर विश्वास ना करिए,
YouTube, Facebook में क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं और कौन डाल रहा है, इस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। और जब परिवार वाले कोई खबर देंगे तो आप सबको मालूम होगा, अच्छा ही होगा और खुशखबरी बहुत जल्द आएगी। और ये कुछ बेशर्म लोग हैं जो खबरें यहाँ वहाँ फैलाते हैं वीडियो बना के और परिवार वालों के बिना बातचीत करके। तो हम सब यहीं पर हैं, पूरा परिवार दिल्ली में है और हॉस्पिटल में है, देख रेख सब डॉक्टर कर रहे हैं। तो आप लोग पेशेंस रखें, धैर्य रखें, बहुत जल्द राजू जी आएंगे हम सबके बीच हंसाने। धन्यवाद। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से दीपू श्रीवास्तव ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपील की है। आपको बता दें, दीपू श्रीवास्तव भी एक कॉमेडियन एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं और राजू श्रीवास्तव अपने भाई को अपना आइडल मानते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।